नमस्कार, मीडिया 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूपेश टांडिया। बलरामपुर के विकास खंड शंकरगढ़ में शासन की पहल से गरीबों के लिए शासकीय दुकानें आवंटित की गई थी, लेकिन इन दुकानों को लेने के बाद कईयों ने दोगुने किराए पर अपने चहेते को देकर नियमों की अवहेलना कर डाली। शासन अब जाँच टीम बनाकर ऐसे लोगों की जाँच करने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि विकास खंड शंकरगढ़ में ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के पहल से कई वर्षों पहले शासकीय दुकानें बनाकर आवंटित की गई थी, लेकिन दुकान मिलने के कुछ ही दिनों बाद कई लोगों ने दोगुने किराए पर इसे दूसरों को दे दिया। मामला प्रकाश में कई बार सामने आया, जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुई। अब फिर से इन दुकानों की आवंटन सूची के आधार पर जांच की जा रही है। शंकरगढ़ प्रभारी तहसीलदार उमा सिंह के साथ साथ चार सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, जो कि जांच पश्चात अनुविभागीय अधिकारी को अपनी जांच रिपोर्ट में सौंपेंगे। जांच में तहसीलदार ने बताया कि कई दुकानें ऐसी पाई गई है जो कि नियमों के विरुद्ध पाई गई है, ऐसे में उन पर कार्यवाही भी निश्चित है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि दुकान आवंटित करने के बाद किसी ने उसे किराए पर लगाया है और किराया जिन्होंने कई महीनों से नहीं चुकाया है, ऐसे लोगों की आवंटन रद्द करके नई निविदा निकाली जाएगी। जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत में जो आवंटित दुकानें हैं उसके लिए टीम गठित हुआ है एसडीएम साहब के द्वारा। उसका जांच कर रहे हैं कि वास्तव में जिसके नाम पे अलॉटमेंट है वही व्यक्ति कब्जेधारी है या कोई और। यदि इस प्रकार की जांच में पाई जाती है अनियमितता तो फिर कार्रवाई करेंगे। बाकी हम तो जांच अधिकारी हैं इसमें। अभी तक जांच में क्या सामने कार्रवाई करेंगे वो एसडीएम साहब ही होंगे। अभी तक जांच में क्या सामने है? कुछ दुकानें पाई गई हैं, उसकी सूचना हम जब जाँच पूरी हो जाएगी तब आपको भी देंगे।